वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। इफ इन एनी वे दिस चैनल इज हेल्पिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस एंड मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्री एजुकेशन मिशन। फॉर ऑफिशियल पेज ऑफ गुरु मंत्रा प्लीज विजिट दिस एड्रेस एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक डू शेयर इट इन कमेंट बॉक्स। These are the three addresses which can be very much helpful for you guys. This is my official Facebook page and this is the link for YouTube channel of Gur Mantra where you can subscribe yourself, and this is the address for Gur Mantra website jahan par bahut sari standard ebooks present hai, module wise ebooks present hai, bahut sari domains se related, bahut sare subjects se related. Aap chahe to free of cost jo hai PDF version unka download kar sakte hain, unka maximum benefit le sakte. Hey guys, I hope all of you are good and doing great. So guys, this is a video regarding P53 protein cell cycle regulation. जिस तरीके से हमने रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का रोल पढ़ा था सेल साइकिल रेगुलेशन में, ठीक उसी तरीके से हम P53 पर भी फोकस करेंगे। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो कि कंसाइज वे में जो है P53 प्रोटीन किस तरीके से काम करता है वो दिखाया हुआ है। थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं एंड अगेन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो वहाँ आपको P53 काफ़ी बार आता हुआ दिखाई देगा। सो मेक श्योर आप अच्छे से इसको समझें एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही प्रैक्टिस सेशंस में अपलोड करूँगी उनको करने की कोशिश करें। ऑलराइट, देखिए P53 क्या है? एक नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन में भी अगर हम कैटेगरी देखें तो दिस इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से समझ रहे हैं आप, ट्यूमर को सप्रेस करने वाला, ठीक है, ट्यूमर को बढ़ाने वाला नहीं, कैंसर को बढ़ाने वाला नहीं, ट्यूमर को सप्रेस करने वाला। नॉर्मली अगर हम इसकी पोजिशन को देखें तो इट इज लोकेटेड ऑन 17th क्रोमोसोम। पी इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोटीन है एंड 53 जो है उसका मॉलिकुलर मास है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ की क्या है कि ट्यूमर की फॉर्मेशन को रोकता है। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ P53 के बारे में क्या कही जाती है, अगर नॉर्मली आपको P53 के बारे में कोई बताए या आपसे पूछे तो इट्स लाइक गार्जियन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम को गार्ड कर रहा है, गार्जियन है इसका। क्यों? बिकॉज बेसिकली ये ट्यूमर्स की फॉर्मेशन को रोक कर, ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरह काम कर कर क्या कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग इन कंजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ जीनोम बाय प्रिवेंटिंग म्यूटेशंस। सेल साइकिल प्रोग्रेशन में, एपोप्टोसिस में भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम रेगुलेशन बढ़ रहे हैं, सो आप जानिए कि किस तरीके से जो है P53 जो है काम करता है। देखिए अगर डिफेक्टिव P53 है या ऑल्टर्ड P53 है तो ऑब्वियसली ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ जो है सेल को बढ़ाएगा एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है सेल की हो जाएगी। बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है, इट इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, बट अगर डिफेक्टिव है, म्यूटेटेड है, ऑल्टर्ड है तो इट विल लीड टू द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स। 50% से ज़्यादा कैंसर्स में, ऑलमोस्ट 50% कैंसर जो डायग्नोस होते हैं प्रॉपरली उनमें पाया जाता है कि P53 म्यूटेंट है। फाइन, देखिए नॉर्मल सेल्स में P53 की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए ये अनस्टेबल कंडीशंस में रहता है। नॉर्मल कंडीशंस में मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म में रहता है अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें। जैसे ही डीएनए में डिफॉर्मिटीज आई, डीएनए में डैमेज आए तब जाकर ये एक्टिव होता है एंड अकॉर्डिंगली रोल प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है बहुत हाईलाइटेड करके लिखा है नेगेटिव रेगुलेटर। अब हम सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये नहीं होगा कि वहाँ सिर्फ पॉजिटिव रेगुलेशन ही होगा, यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है। किस तरीके से? क्योंकि ये सेल साइकिल को आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ये सेल साइकिल को रोक रहा है। इट इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है। रोक क्यों रहा है, किस केसेस में रोक रहा है, डैमेज ही केसेस में रोक रहा है। अगर डीएनए डैमेज है या फिर सेल्स में और कोई डिफॉर्मिटीज है तब जो है रोक रहा है। तो एक तरीके से जो है नेगेटिव रेगुलेटर क्यों कहा गया, बिकॉज सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को ये रोक रहा है, बट अल्टीमेटली तो ये हेल्प ही कर रहा है, ठीक है, काम इसका पॉजिटिव ही है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं।
बहुत बार सेक्शन बी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मल सेल्स में P53 प्रोटीन का लेवल जो है लो रहेगा, ठीक है। अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है जैसे कि DNA डैमेज है या कोई स्ट्रेस सिग्नल आते हैं, तब P53 प्रोटीन जो है ट्रिगर होगा, इंड्यूस होगा, ताकि ये अपने कुछ मेन फंक्शंस परफॉर्म कर सके, जैसे कि ग्रोथ अरेस्ट, सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेगा ताकि DNA रिपेयर मैकेनिज्म अपना वर्क परफॉर्म कर सके और वो जो भी डैमेज है वो सही हो सके, ठीक है। अगर डैमेज सही तरीके से सही हो जाती है, रिपेयर मैकेनिज्म से चीज़ें सही वर्कआउट कर जाती हैं, तब तो सेल साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज सेल विल परफॉर्म एपोप्टोसिस, उसमें भी P53 ही जो है सिग्नल्स देगा। द ग्रोथ अरेस्ट स्टॉप्स द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एंड प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ डैमेज DNA। ऑब्वियसली जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाएगी एंड सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एक सेल कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डैमेज DNA के साथ आगे बढ़े एंड डॉटर सेल में वो डिफॉर्मिटीज वो एबनॉर्मेलिटीज पास ऑन करे, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ अरेस्ट दिस प्रोटीन, जब ग्रोथ अरेस्ट होती है तब ये P53 प्रोटीन एक्टिवेट होता है, इट अलाउज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व्स इन DNA रिपेयर। DNA रिपेयर का पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो P53 जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये फर्दर सिग्नलिंग से जो दूसरे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है ताकि रिपेयर मैकेनिज्म सही से काम कर सके। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर सब चीज़ें सही से काम करती है देन दैट इज फाइन, बट अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है जो कि सही नहीं हो सकती रिपेयर मैकेनिज्म से, देन अपोप्टोसिस जो है, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं, वो लास्ट ऑप्शन रहता है परफॉर्म करने के लिए, सो दैट सेल का प्रोलिफरेशन रोका जा सके। देखिए यहाँ पर जो है मैंने हाईलाइटेड करके P53 का स्पेसिफिक रोल लिख दिया है सेल साइकिल रेगुलेशन में। डैमेज DNA है, ठीक है, डैमेज DNA जो है वो डैमेज जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक पूरा पाथवे होता है DDR पाथवे जिसको हम बोलते हैं, DNA डैमेज रिस्पॉन्स पाथवेज, उसमें दो मेन एंजाइम्स काम करती हैं, ATM एंड ATR, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, फाइन। एंड अगर डैमेज है DNA तो ये एंजाइम्स पूरा पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन के बाद अल्टीमेटली P53 जो कि नॉर्मल केसेस में जब कोई डैमेज, यहाँ पर देखिए एक्टिव एंड इनएक्टिव दोनों चीज़ें दिखा रखी है, अगर DNA डैमेज नहीं है फॉर सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, P53 MDM2 जो इसका एक रेगुलेटिंग फैक्टर है, जैसे हमने रेटिनोब्लास्टोमा में पढ़ा था E2F है, इसी तरीके से P53 से MDM2 बाउंड रहता है। अगर नॉर्मल केसेस में कोई डैमेज नहीं है तो ये फॉर्म बना रहे, लेकिन अगर डैमेज हो जाता है DNA तो एक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ATM एक्टिवेशन पाथवे। डिपेंड करता है कि डबल स्टैंड है या सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है तो ATM जो है एक्टिवेट होगा एंड ATR जो है वो एक्टिवेट होगा अगर सिंगल स्टैंड पाथवे, अगर सिंगल स्टैंड डैमेज है DNA में तो। इसी दौरान क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा P53 का, देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ ये दोनों जो है डिटैच हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। रेटिनोब्लास्टोमा के केस में भी कुछ ऐसा हो रहा था, रेटिनोब्लास्टोमा में फॉस्फोराइलेशन हो रहा था एंड E2F जो है अलग से जाके जीन्स को ट्रांसक्राइब कर रहा था। अब P53 क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और रेगुलेट करेगा एक जीन की एक्टिविटी को जिसका नाम है P21। P21 क्या है, एक तरीके का इनहिबिटर है, ये भी क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, सेंसेंस की स्टेज में ले जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सिनारियो चलेगा, चेक पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड सेल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी, फाइन। अच्छा जी, अगर कोई डैमेज नहीं है तो नॉर्मली जो है सेल साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो मैंने लिख दिए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ATM ATR पूरे काइनेसिस की क्लास है, पूरे पाथवेज होते हैं जो कि DNA डैमेज को सेंस करके आगे की ओर जो है सिग्नल्स भेजती है। देखिए कंसाइज वे में, समराइज वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बिकॉज बहुत 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 बार जो है क्वेश्चन P53 पर आता है, नॉर्मल कंडीशंस में इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन अगर DNA डैमेज है, सेल साइकिल में एबनॉर्मेलिटीज है, लो ऑक्सीजन स्टेट है, उस दौरान P53 फॉस्फोराइलेट होकर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, क्या मेजर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा, DNA को रिपेयर करेगा,
अगर डीएनए डैमेज है एंड अगर रिपेयर मैकेनिज्म सही से काम किया, सेल साइकिल के सारी फॉल्ट्स दूर हो गए, तो सेल साइकिल रिस्टार्ट हो जाएगी नॉर्मली दोबारा से। अगर डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा मेजर है एंड इवन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म उसको सही नहीं कर सकता, तो सेल एक वाइज डिसीजन लेगा कि एपोप्टोसिस कर लिया जाए ताकि बाकी दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुँचे एंड एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ आगे सेल ना बढ़े। ठीक है, उसमें डेथ एंड एलिमिनेशन ऑफ डैमेज सेल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, जो एपोप्टोस सेल होगा बाद में जो डैमेज सेल्स हैं उनका एलिमिनेशन हो जाएगा। एंड अगेन एपोप्टोसिस के प्रोसेस को भी कौन ट्रिगर करेगा? P53। ठीक है, दोनों ही केसेस में पूरा कंक्लूजन समअप क्या निकल कर आएगा कि सेल की सेलुलर एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। सो गाइस, आई होप आपने जो है P53 का रेगुलेशन अच्छे से समझा एंड आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेटली स्टिल मेनी थिंग्स आर रिमेनिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशंस भी हम करेंगे सो दैट आपकी नॉलेज और अच्छे से एनहेंस हो। सो गाइस, जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.